बहुत बहुत स्वागत है सभी किसान भाइयों का आपके अपने YouTube चैनल निम्बाड़ा मंडी भाव पर। मैं आपका दोस्त राजू दाहड़। मैं सभी किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो ये अभी कोरोना वायरस की महामारी चल रही है, तो आपसे निवेदन रहेगा कि कुछ दिन की बात और है, आप अपने घर में बैठे रहिए। घर में बैठे रहने से आप ही को फायदा है, तो आप घर में ज़रूर बैठे रहिए, क्योंकि आप बाहर निकलेंगे तो ये बीमारी ऐसी है जिसका कोई इलाज यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे अभी की हम बात करें तो अभी 3300 प्लस जो कोरोना वायरस के मरीज पहुँच चुके हैं हमारे इंडिया में आज की डेट में, और यहाँ पे 70 आदमियों की मौत भी हो चुकी है। तो आपसे यही निवेदन रहेगा, आप घर में कुछ दिन के लिए और बैठ सकते हैं। अगर आप इधर उधर जाएंगे तो आपको बीमारी लग सकती है, तो आप अपने घर में ज़रूर बैठे रहिए, यही आपके लिए फ़ायदा है। और जो हमारे किसान वर्ग के लोग हैं वो खेत में काम कर सकते हैं, और जो सिटी वाले लोग हैं उनके खेती बाड़ी नहीं है तो वो घर में बैठे रह सकते हैं और टीवी वगैरह देख सकते हैं टाइम पास के लिए, बाकी आप बाहर नहीं निकले। और जो बाज़ार खुल रहे हैं 2 घंटे 3 घंटे के लिए, तो बिना मतलब बाज़ार में नहीं जाए। अगर आपको कुछ काम है तो ही आप बाज़ार में जाए, बिना मतलब से बाज़ार में नहीं जाए। अगर आप बिना मतलब बाज़ार में जाओगे तो भीड़ ज़्यादा हो जाएगी, और भीड़ ज़्यादा होने से वायरस फैलने का खतरा यहाँ पे हो सकता है, तो आप बिना मतलब से बाज़ार नहीं जाएं। क्योंकि 14 तारीख से लॉकडाउन अब आगे नहीं बढ़ेगा, 14 तारीख 15 तारीख को यहाँ पे लॉकडाउन हटा दिया जाएगा, लेकिन नियम वो रहेगा ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं होने देंगे, क्योंकि प्रशासन का यही कहना है कि ज़्यादा भीड़ यहाँ पे इकट्ठी नहीं हो सकती है। और मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन रहेगा, आप जो भी गेहूं वगैरह अभी बेच रहे हैं डायरेक्ट, तो वो आप नहीं बेचें, क्योंकि यहाँ पे भाव अच्छे रहेंगे अब की बार। कोरोना वायरस के चलते आयात निर्यात बंद रहेंगे तो भाव अच्छे मिलेंगे। आप जो बेच रहे हैं अभी गेहूं डायरेक्ट दे रहे हैं तो आप डायरेक्ट मत दीजिए, इसमें आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि 1700 1750 1800 लेंगे आपसे डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट नहीं देवें, उससे आपको फ़ायदा रहेगा। अगर आप डायरेक्ट दे देंगे तो आपसे जो गेहूँ है सस्ते लिए जाएंगे और आपको नुकसान हो सकता है, तो आप लहसुन वगैरह कुछ भी हो वो डायरेक्ट नहीं देवें, क्योंकि लहसुन के भाव में भी अब की बार जो है तेज़ी ही रहेगी। तो आप डायरेक्ट किसी को नहीं दें, घर से डायरेक्ट नहीं बेचें, आप मंडी ले जाके ही अपना माल बेचें। मैं आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप 14-15 तारीख तक अपने घर में रहें और बाहर नहीं निकलें। बाहर निकलने से आपको वायरस की चपेट में आ सकते हैं, तो आप बाहर नहीं निकलें। और जो आज शाम को जो भी किसान भाई है, जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं, जो भी दीपक लगाने के मूड में है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हाथ में सैनिटाइज लगा के दीपक नहीं लगाएं, क्योंकि सैनिटाइज एक ऐसी चीज़ है जो पेट्रोल की तरह आग पकड़ता है। तो आप हाथ को साबुन से धोने के बाद ही आप दीपक लगाएं, सैनिटाइज हाथ में रहेगा तो वो आग पकड़ सकता है, और आग पकड़ने से आपको नुकसान हो सकता है। तो आप साबुन से हाथ धो के ही उसके बाद दीपक लगाएं, और 9 मिनट के लाइट 10 मिनट के लिए लाइट बंद रखें। हमारे मोदी जी ने बताया, उससे अगर कुछ बेनिफिट फ़ायदा मिल रहा है तो आप ज़रूर करें ये काम। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप घर के बल्ब बंद करें, बाकी जो फ्रिज वगैरह है वो बंद नहीं करें, क्योंकि इससे डायरेक्ट फीडर पर लोड पड़ता है, तो वहाँ से ट्रांसफार्मर जल भी सकता है, क्योंकि सारी लाइटें वगैरह अगर बंद हो गई हैं तो ज़्यादा लोड पड़ सकता है। तो आप सारी चीज़ें बंद नहीं करें, ओनली जो बल्ब है अंधेरा कर दें, बाकी की जो उपकरण है वो चालू रहने दें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।